जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर जयसिंह है और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत का जो नामकरण हुआ है, भारत के कई नाम है और उस नाम के पीछे की कहानी क्या है, उसका भूगोल क्या है, उसका इतिहास क्या है। तो आज आप समझ लीजिए कि भारत जो है वह आर्यावर्त के नाम से हो, जम्बूद्वीप के नाम से हो, या अजनाब खंड के नाम से हो, या भारत के नाम से हो, या इंडिया के नाम से हो, या हिंदुस्तान के नाम से हो, क्यों जाना जाता है इतने नामों से। गोंडवाना लैंड क्या है, इंडियन प्लेट क्या है, और आर्य प्रजाति क्या होता है, द्रविड़ प्रजाति क्या होता है, इसके आधार पर कैसे क्या हुआ है, तो इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे देश में एक पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहने वाली नदी है, उसका नाम है सिंधु नदी। ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना महत्वपूर्ण है कि इस नदी के नाम पर भारत का दो नाम हुआ है। एक नाम हुआ आपका इंडिया, दूसरा हुआ हिंदुस्तान। तो ये जो नदी है ना, कोई भी बाहर के व्यक्ति अगर पश्चिम से आएगा या एशिया की तरफ से आएगा, उसको ये नदी पार करना पड़ेगा। भारत तो बहुत सारी विविधताओं का देश है, भारत एकदम प्राचीन संस्कृति का देश है, भारत ने दुनिया को सभ्यता सिखाया है और भारत पूरे दुनिया में एक नायाब और एक बेहतरीन देश है। तो आप इसके बारे में सोचिए कि भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आते रहे हैं और भारत के अंदर में जब आते हैं तो भारत के ही बन के रह जाते हैं। तो उसके पीछे का कहानी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि भारत का जो नामकरण है वह आर्यावर्त क्यों है। तो आर्यावर्त को जानने से पहले थोड़ा सा आप उसके बैकग्राउंड में चलिए। अभी आप भारत को जहां देखते हैं ग्लोब में, वहां पे क्या हमेशा से यहीं पे था? ऐसा नहीं है, भारत हमेशा से यहाँ नहीं था, या फिर इतने जो भूखंडों को आप देखते हैं, कंटिनेंट को, हमेशा से अपने जगह ऐसा नहीं था। ये हम लोग अभी वर्तमान में देख रहे हैं। अगर आज से 20 करोड़ साल पहले चले जाइए तो ये सारा जो कंटिनेंट आप देखते हैं, सारा का सारा जो स्थलखंड है, वह साउथ में, साउथ पोल पे अंटार्कटिका के साथ लगे हुए थे, एक ही भूखंड थे, उसको सुपर कंटिनेंट कहा जाता था, एक ही भूखंड थे। और वहां से ये टूट करके आज से 20 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस काल में ये टूट करके धीरे धीरे उत्तर और पूरब की ओर बढ़ते हैं, कुछ भूखंड पश्चिम की ओर चले जाते हैं, कुछ भूमध्य रेखा की तरफ चले जाता है। तो भारत भी धीरे धीरे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है और फिर भूमध्य रेखा के भी उत्तर में आकर के और थोड़ा सा पूरब होकर के वह यूरेशियन भूखंड की तरफ आ जाता है। बाद में जो है इसमें यूरेशिया और आपका ये जो पूरा का पूरा इंडियन प्लेट है, इसके बीच में टकराहट होती है और बीच से हिमालय निकल आता है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले हिमालय भी निकल आता है। तो आप देख रहे हैं कि सदा से भारत एक जगह नहीं है, एक कभी ना कभी यहाँ पे साउथ पोल पे अंटार्कटिका के साथ लगा हुआ था और आज भी ये धीरे धीरे खिसक ही रहा है, क्योंकि प्लेट जो है ना वो 4-5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के दर से ये अभी भी खिसक ही रहा है उत्तर की ओर। इसीलिए हिमालय में अभी भी भूकंप आता है, हिमालय के अवरोध का काम करता है। कोई भी भारत से अंदर में आने के लिए उसको हिमालय पार करना पड़ेगा, हिमालय को दर्रा से पार किया जा सकता है। साथ ही इधर पूरा यूरोपियनों को भी पार करने के लिए उसको किरथर सुलेमान जैसे पर्वत श्रेणी को पार करना पड़ेगा और वह जब भी आएगा तो खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, ऐसे ऐसे दर्रा को पार करके आएगा। एकदम संकीर्ण रास्ता होता है पहाड़ियों के बीच में, तो जो भी आएगा आक्रमणकारी उसको गोमल दर्रा और आपको इस तरह से दर्रा को पार करके आना पड़ेगा। तो भारत जो है एक तरह से प्राकृतिक अवरोध के कारण भी एक बहुत ही बेहतरीन देश है। साथ ही हम देखते हैं भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, दुनिया में एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पे हुआ है। तो भारत इस मामले में बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है। अब आपको हम बताते हैं कि आर्यावर्त जो नामकरण है वो कैसे पड़ा है। देखिए, कहा जाता है कि आर्यों के नाम पर इस देश का नामकरण आर्यावर्त पड़ गया। आर्यावर्त का अर्थ होता है आर्यों का रहने का स्थान। अब आर्य कौन है? देखिए, आर्य के बारे में बड़ी विवाद है कि आर्य आखिर है कौन, आर्य किसको कहेंगे, क्या वह किसी प्रजाति है, प्रजाति को कहेंगे कि क्या वह कोई भाषा समूह होता है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं ना इंडो यूरोपियन भाषा, उसमें कहते हैं कि आर्यों की भी अपनी एक भाषा है, वही इंडो यूरोपियन जो बोलते हैं। साथ ही क्या आर्य का मतलब क्या श्रेष्ठ होता है, क्या आर्य का कोई और अर्थ होता है क्या? तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सबूत मिलते हैं। बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, जैसे मैक्स मूलर साहब हुए हैं, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से होके आया था। ये आप देख रहे हैं ना, उत्तरी ध्रुव,
यहाँ पे रहा करते थे आर्ज लोग। अब यहाँ पे आर्ज कैसे पहुँचे होंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो मिडिल एशिया में रहते थे, यहाँ से चल करके वह धीरे धीरे सिंधु नदी को पार करके इंडिया में आते हैं। अब इस नदी का नामकरण वही करते हैं सिंधु नदी, इस नदी को देख करके देखते हैं कि कौन सी नदी है, तो इसका नामकरण वो कर देते हैं सिंधु नदी। और उसके बाद अंदर में आते हैं और उत्तर भारत में बसते हैं और इस क्षेत्र को करते हैं आर्यावर्त, क्योंकि हमारे रहने का स्थान हो गया। अब कुछ लोग इस पर विवाद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मिडिल एशिया से चल के नहीं आए थे, नॉर्थ पोल से नहीं आए थे, बल्कि यहीं के मूल निवासी है, यहीं पर रहा करते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये आर्य लोग जो है उससे पहले क्या था, तो आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि आर्य लोग जब भारत में आए थे, इतिहासकार ये लिखते हैं कि आर्य लोग से पहले यहाँ एक बहुत बड़ी सभ्यता विकसित हो चुका था, एक पूरा सिविलाइज सोसाइटी यहाँ विकसित था, उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार बहुत है, पूरब में जो है आपको वो आलमगीरपुर तक है, और आपको साउथ में देखिएगा कि दैमाबाद तक है, इधर भी देखिएगा पश्चिम में तो यहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुत कांगेंडोर तक है, और उत्तर में मांडा तक है। अब ये चार क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित था, नगरीय सभ्यता थी, बहुत विकसित थे, और यहाँ जो प्रजाति रहते थे उसको कहा जाता है कि वह भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, मतलब वह मुख्यतः द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, वो कहा जाता है नेग्रेटो निग्रो ये जो सब थे उसी के वंशज थे ये लोग, ये लोग पहले ही आ चुके थे और यहाँ एक सभ्यता विकसित कर दिया था। बाद में आर्य लोग आ करके उनको उनकी सभ्यताओं को बाद में कहा जाता है कि उन्होंने नष्ट कर दिया, और उन्हीं के आक्रमण के कारण वो पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई, तो ऐसा इतिहासकार कहते हैं। लेकिन इस पर बड़ा कंट्रोवर्सियल है, बहुत लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो कहते नहीं आर्य तो बहुत बाद में आए हैं, तब उससे पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत विकसित था। तो और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो आए हैं, वो उधर से जो आए थे वो आक्रमण करने नहीं आए थे, वो सीधे माइग्रेट होकर के आए थे, आराम से आए थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो घुसपैठिए है, तो कहने का मतलब है बहुत सारा विवाद है इस पर, अगर हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे तो और ज़्यादा विवाद हो सकता है, कुछ लोग को आपत्ति हो जाएगा। तो हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आर्यावर्त नामकरण क्यों हुआ, तो उसी आर्य समूह के नाम पर हुआ है। अब उसको आप प्रजाति समझिए, भाषा समूह समझिए, या आर्य को आप श्रेष्ठ समझिए, अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। ऐसे भी प्रजाति को तीन वर्ग में बांटा गया है, एक कॉकेसाइड प्रजाति है, दूसरा मंगोलाइड है, तीसरा निग्रोइड है। निग्रोइड प्रजाति कहा जाता है सबसे पहले बना, देखिए अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति कब हुई है ये कोई कंफर्म कोई डेट नहीं है, लेकिन कहा जाता है मानव की उत्पत्ति जो है वो कम से कम आज से प्लिस्टोसीन काल में 10 लाख साल पहले होना शुरू हो गया था, 8 लाख साल पहले होमो बन गया था, और आज से 25-26 लाख साल पहले होमिनिड इस धरती पे आ चुके थे, उसी होमिनिड से होमो बनता है, और होमो के बाद जो है धीरे धीरे होमो सेपियंस बनते हैं, तो 40,000 साल पहले होमो सेपियंस बन गए थे। और कहा जाता है कि भारत में अफ्रीका से चल करके वह धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैले हैं। अफ्रीका में उनका मानव की जो उत्पत्ति हुई घने घने जंगलों में हुआ था, उष्णकटिबंधीय के जंगल में, लेकिन बाद में यहाँ पे सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, इतना सूखा पड़ता है कि वहाँ सवाना विकसित हो जाता है, सवाना घास का मैदान, वृक्ष नहीं रहता है, तो फिर वो धीरे धीरे यहाँ से ज़मीन पर आते हैं और यहाँ से वह चलना शुरू करते हैं भोजन की तलाश में, दूर दूर तक भटकते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र को पार करते हुए एशिया में प्रवेश करते हैं, फिर यूरोप में जाते हैं 30,000 साल पहले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, फिर वह उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में भी पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे वह पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। तो कहा जाता है कि भारत में जब वो आए थे आज से 1,20,000 साल पहले सेंटिलीज नामक द्वीप में आए थे, और धीरे धीरे वह बाकी इंडिया के हिस्सों में भी फैले थे। तो कहा जाता है कि जो सेंटिलीज द्वीप में गए या फिर जो भारत में आए उन्होंने एक सभ्यता विकसित की, उसको कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित की, मेडिटेरेनियन लोग थे। बाद में एक शाखा जो है जो एशिया में पहले उसके बाद जो गई एशिया में, वो एशिया वाला फिर पुनः लौटा, क्योंकि जो मिडिल एशिया में जो लोग थे वो वहाँ भी सूखा पड़ा। कहा जाता है कि वो चरवाहे थे, बकरी भेड़ बकरी चराते थे और आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे, और वो लोग जब चारे की कमी हो गई तो मिडिल एशिया को छोड़ करके वह भारत की ओर बढ़ते हैं और भारत में आते हैं। तो कहा जाता है कि मिडिल एशिया से, और आप मिडिल एशिया को समझिए कि मिडिल एशिया क्या होगा, तो मिडिल एशिया में ये पूरा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। 7 ही मध्य एशिया को अगर आप समझ लिए हैं
तो आपको कम से कम एशिया के देशों को याद कर लेना चाहिए और आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि एशिया में कितने देश है। देखिए एशिया में लगभग 49 देश है। अब 49 देश को आपको याद करना है बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगा। जैसे भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, ब्रुनेई, फिलीपींस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान है, फिर रशिया है, मंगोलिया है, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, टर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये इतना 49 देश है। तो आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए। साथ ही आप अभी आपको हमने बताया था कि भारत को इंडियन प्लेट का हिस्सा कहिए भारत को, या फिर गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड के ऊपर आ, देखिए गोंडवाना लैंड जो है इसको बहुत बड़े एक आप उनको जियोलॉजिस्ट कहिए, क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहिए, वेगनर साहब थे, उन्होंने नामकरण किया था गोंडवाना लैंड। तो सिर्फ भारत उसमें शामिल नहीं है, ये दक्षिण वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब गोंडवाना लैंड टूटता है 20 करोड़ साल पहले, अब उस पीरियड का नाम होता है कार्बोनीफेरस। अब आप कहेंगे कि कार्बोनीफेरस क्या होगा, हम तो इस तरह से युग कभी पढ़े ही नहीं, हम तो त्रेता युग पढ़े हैं, कलयुग पढ़े हैं, द्वापर पढ़े हैं और इस तरह से चीज़ों को पढ़े हैं। तो देखिए आप ये धार्मिक है लेकिन आपको वैज्ञानिक ढंग से पीरियड को याद रखना चाहिए, वो कहाँ से शुरू होता है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो कहाँ से शुरू होगा, प्री कैम्ब्रियन से, फिर प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, अभी हम लोग होलोसीन में है, ये 10,000 साल से चल रहा है। तो ऐसे आपको एज भी याद रखना चाहिए। अब आप आइए हम इस पे आते हैं, आर्यावर्त आप समझ गए हैं, अब आप समझिए जम्बू द्वीप क्या होता है। जम्बू द्वीप जो है भारत को कहा गया है पुराणों में। अब पुराण में जम्बू द्वीप क्यों कहा, क्योंकि इस क्षेत्र में जामुनों की, जामुन जैसे जो वृक्ष होते हैं उसकी बहुलता थी, वृक्षों की बहुलता थी। अब जम्बू द्वीप खाली भारत को नहीं कहा गया है, पूरा का पूरा जो एशिया है ना इसको जम्बू द्वीप कहा गया है, यूरेशिया को, इसमें यूरोप भी शामिल है, पूरा को जम्बू द्वीप कहा गया है। अब इसमें भारत भी एक खंड है उसमें। उसके बाद भारत को कहा गया अजनाभ खंड। अब अजनाभ खंड का क्या अर्थ होता है, ये भी पुराणों में कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, ब्रह्मा के नाभि से उत्पन्न जो भारत खंड है इसमें ब्रह्मा के नाभि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं अजनाभ खंड, ये भी पुराण में लिखा हुआ है। हालांकि इसको लोग बोलते नहीं है, शायद ही आप लोग, आप में से कोई जानते होंगे अजनाभ खंड भी है, एक भारत है। अब भारत नामकरण कैसे हुआ है, भारत नामकरण के पीछे आप देखिएगा कहानी है, इसमें दो प्रकार की कहानी आपको मिलेगी। एक कहते हैं जैन धर्म के अनुसार कि जैन धर्म में ऋषभ देव हुए थे और ऋषभ देव के पुत्र थे भरत, और उसी के नाम पे इस देश का नामकरण पड़ गया भारत, क्योंकि वो बड़े प्रतापी राजा थे, अच्छे राजा थे, बड़े डेमोक्रेटिक माइंड के रहे होंगे, इसीलिए कहा जाता है कि वो इस पूरे जो स्थल खंड है इसको देख रहे हैं उसका नामकरण कर दिया गया भारत। साथ ही अब जो पुराणिक लोग हैं, जो पुराण पढ़ते हैं, जो पुराण में विश्वास करते हैं, वो कहते हैं कि इस देश का नामकरण जो है वह दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, उसके नाम पे पड़ा हुआ है भारत, क्योंकि वह भी बड़े प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। उनके इतिहास के बारे में कहीं पे कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई पुरातात्विक अवशेष ऐसा नहीं है, कोई सिक्का नहीं है, कोई शिलालेख नहीं है, बस ऐसे ही किताबों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। आप जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है, उसी में से एक पुराण में लिखा हुआ है। साथ ही कहा जाता है कुछ लोग कि नहीं, आदमी के नाम पे नहीं हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के नाम पे इस देश का, इतना बड़ा देश का नाम भारत नहीं हो सकता है, बल्कि मुझे लगता है कि जो आर्य लोग आकर के यहाँ बसे थे उसी में से एक शाखा थी, उसको कहा जाता है भरत शाखा, और उसी के नाम पे इस देश का नाम पड़ गया भारत। ऐसे भी आप देखे होंगे महाभारत में कृष्ण जो है वो अर्जुन को कई बार भारत भारत कह करके उसको पुकारते हैं। तो भारत कहने का अर्थ एक तो पूरा का पूरा शाखा हो गया आर्यों का, या फिर ये हो सकता है कि एक संबोधन हो और उस संबोधन के नाम पर भारत पड़ गया। भारत का अर्थ भी श्रेष्ठ होता है, अच्छे कुल में पैदा हुआ। तो हो सकता है कि इस देश का नामकरण जो है वह भाववाचक अर्थ में लेकर के इस देश का नामकरण भारत हो गया हो। तो अब जो भी हो, कहानी तो है ही। अब देखिए इंडिया कैसे पड़ा, अब इंडिया के नामकरण के पीछे भी एक कहानी है, इसको सिंधु नदी से आपको जोड़ना होगा। बहुत सारे यूनानी जो है भारत पर आते हैं, आक्रमण भी करते हैं, भारत के साथ बहुत सारे व्यापारिक संबंध भी स्थापित करते हैं। अब यूनानी कौन है इस ग्लोब में, आप देखिएगा जो ग्रीस है यहाँ पे, आप देखेंगे ग्रीस भूमध्य सागर में देश है, एक छोटा सा देश है अभी, उस टाइम में ग्रीस बहुत फेमस था। तो यूनानी उसी को कहा जाता है। वो लोग जब भारत में आते हैं
कैसे आएंगे, यहाँ से चल करके इधर आएंगे, उनको इंडस नदी पार करना होगा। अब इंडस नदी पर जाके खड़े होते हैं, वो किसी से पूछते हैं कौन सी नदी है, कुछ लोग बोले होंगे सिंधु नदी, उनको समझ में आया होगा इंडोस नदी, तो उन्होंने इस नदी का नामकरण कर दिया इंडोस और इस देश को कहा इंडिया। उसी तरह से रोमन भी आते हैं, जब यूनानियों का साम्राज्य खत्म होता है तो रोमनों का साम्राज्य शुरू होता है, वो लोग भी जब इंडिया में आते हैं तो इंडिया का नामकरण वो करते हैं इंडस, और इस देश का नामकरण इंडिया कह के वो भी पुकारते हैं। तो इस देश का मुख्यतः नामकरण जो इंडिया है वह यूनानियों की देन है। ऐसे भी आप जानते हैं कि मेगास्थनीज भी भारत में आए थे घूमने के लिए और उन्होंने किताब लिखा था इंडिका, और उस किताब में भी भारत का नाम उसने इंडिया लिखा है। तो इस तरह से भारत का नाम जो है इंडिया पड़ता है। साथ ही अब आप देखिए कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो हिंदुस्तान नाम जो पड़ा हुआ है वह हिंदू अधिक रहते हैं इसके आधार पर नहीं पड़ा हुआ है। इस देश में ठीक है हिंदू जो धर्म है वह बहुलता में है, लेकिन हिंदू धर्म के आधार पर देश का नाम नहीं पड़ा है। बहुत पहले उस टाइम में तो कहा जाता है कि शायद हिंदू धर्म के रूप में था भी नहीं, वो वैदिक संस्कृति चल रही थी उस समय, या फिर बौद्ध संस्कृति उस टाइम में चल रही थी, कुछ लोग बहुत सारे जैन का भी अपना पूरा क्षेत्र था, तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे अपने अपने पंथ थे। तो कहा जाता है कि ईरानियों ने हिंदू सब को जो है सिंधु को हिंदू कर दिया। वो जो ईरानी जो आए, ईरानी कहाँ है यहाँ पे आप देखिए, ईरान है एशिया में, ईरान अभी हमने आपको बताया था। ईरान जो है वो जब सिंधु नदी पे आता है, अब पूछता है किसी से कि कौन सी नदी है, वो कहता है सिंधु, लेकिन वह सिंधु बोल नहीं पाता है क्योंकि उसका जीभ उस तरह से प्रशिक्षित नहीं है। वह अरबी बोल रहा है, फारसी बोल रहा है, लेकिन उसको उस तरह से स का उच्चारण जो है सही से निकल नहीं रहा है, इसलिए स को ह लिख रहा है, और स को ह बोलने के कारण सिंधु को हिंदू कर देता है। और इस सिंधु नदी के इस साइड में पूरब में रहने वाले सभी लोगों को वह कहता है हिंदुस्तानी। तो इस देश का नामकरण कर दिया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया हुआ है, तीसरी सदी में वहाँ के जो ससानी शासक थे उसके अभिलेख में लिखा हुआ है हिंदुस्तान शब्द, इसका मतलब बहुत पुराना है हिंदुस्तान शब्द भी। अब आपको बताते हैं कि भारत का जो नामकरण है वह कौन सा है, भारत के जो संविधान है उसमें कौन सा नाम प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पे दो ही नाम प्रयोग किया गया है, एक भारत दूसरा इंडिया। उस भारत के संविधान में पहला वाक्य ही है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत जो है वह संघ राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा हुआ है भारत के संविधान में। अब आपको हम बता देते हैं कि जो जो प्रजाति है वह तीन प्रकार की, काकेसाइड मंगोलाइड निग्रोइड, और ये सारे जो प्रजाति बने हुए हैं ना, ये इससे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पूरे दुनिया में मानव की एक ही प्रजाति है, वह है होमोसेपियंस, हम सब होमोसेपियंस है, हम सब के सब होमोनोइड प्रजाति के बंदर ही तो है, होमोनोइड प्रजाति के बंदर ही हैं हम लोग। हम लोग का बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि हम लोग सर्वभक्षी होते हैं, और सवाना के जंगलों में हमारा विकास हुआ है, इसलिए हमारे डीएनए में आज भी हम लोग सवाना के जंगलों में विचरते रहते हैं। आज भी हम लोग ज़्यादा अलग नहीं हुए हैं, आज भी हम लोग उस डीएनए से ग्रस्त हैं। तो ठीक है, आगे आने वाले समय में और भी डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे, और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। अब देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह से हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।